नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे कर्मचारियों को तोहफा। वेतन विसंगति दूर होगी और मन चाहे ट्रांसफर होंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इस वीडियो में जानेंगे। आप समस्त प्रकार के कर्मचारी देखें और इस पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तो आइए जान लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का मनचाही जगह हुआ तबादला, वेतन विसंगति दूर करने पर भी सीएम का जोर। चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश की सभी जिलों में लाखों की संख्या में नौकरी कर रहे शासकीय कर्मचारियों को उनकी इच्छा मुताबिक जगह पर स्थानांतरण देने की योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रमुख सचिव बीरा राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जो कर्मचारी एक जगह पर ही लंबे समय से टिके हैं और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना कहीं और तबादला चाहते हैं, तो उसके लिए रास्ता आसान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि कर्मचारियों को उनकी मंशा के अनुरूप ही तबादला दिया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कर्मचारियों को उनकी मंशा के मुताबिक जगह भेजने पर वो और ज़्यादा मन लगाकर काम कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की योजना पर अमल करने के लिए कहा है। हालांकि अभी तबादलों पर रोक लगी हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी होते ही तबादलों पर लगी रोक भी हटा ली जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक के दौरान कर्मचारियों की वेतन विसंगति को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें सीएम ने प्रमुख सचिव से कहा कि वेतन विसंगति के जो मामले हैं उसका निपटारा भी हो जाना चाहिए, नहीं तो कर्मचारी फिर बगावती तेवर अपना सकते हैं।